नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरी चौक। बलरामपुर जिला अंतर्गत रामानुजगंज के नगर पालिका चौक में संचालित राजेश ज्वेलर्स में आज दिन दहाड़े कट्टे से लैस बदमाशों ने करीब 8 किलो सोने के जेवरात लूट लिए एवं फरार हो गए। लूटे गए सोने के जेवरातों की कीमत करीब 5 करोड़ रुपए से अधिक बताई जा रही है। आशंका है कि वारदात के पूर्व बदमाशों ने दुकान की अच्छे तरीके से रेकी की थी। घटना के बाद आरोपी बाइक में सवार होकर झारखंड की ओर भाग निकले। घटना से रामानुजगंज में हड़कंप मचा हुआ है। जानकारी के मुताबिक रामानुजगंज के नगर पालिका चौक में संचालित राजेश ज्वेलर्स में करीबन 2 बजे के आसपास बाइक में सवार होकर 3 युवक पहुंचे। दुकान में अंदर घुसकर उन्होंने कट्टा निकाल लिया एवं दुकान संचालक राजेश सोनी सहित कर्मचारियों को कब्जे में ले लिया। लुटेरों ने राजेश सोनी के सिर पर कट्टे की बट से वार कर उन्हें घायल कर दिया एवं गोली मारने की धमकी दी। लुटेरों ने दुकान सहित लॉकर में रखे सोने के जेवरों को निकलवा लिया और बैग में रखकर बाइक में सवार होकर झारखंड की ओर भाग निकले। लुटेरों ने दुकान के पास मोची दुकान के सामने अपनी बाइक खड़ी की थी। उन्होंने 15 मिनट में पूरी वारदात को अंजाम दिया। राजेश, क्या हुआ? रुकिए, हम लोग आपका नाम जी, ज्वेलर्स से क्या नाम है दुकान का? राजेश ज्वेलर्स जी। घटना क्या हुआ था? घटना 3 लोग आए, तीनों के पास गन था और गन से मेरे ऊपर वार भी किए और दुकान में जितने होने का सामान था 7-8 सारे। मामले में पुलिस अभी कुछ भी कहने को तैयार नहीं है। पुलिस की टीम सीमा से लगे विभिन्न क्षेत्रों में तैनात है। हम आपको बता दें कि पूर्व में भी ऐसी घटनाएं यहां पर हो चुकी हैं। झारखंड सीमा से लगा क्षेत्र होने के कारण वारदात को अंजाम दे अपराधी झारखंड की ओर फरार हो जाते हैं। अभी थोड़ी देर पहले ही राजेश ज्वेलर में डकैती हुई है। राजेश से जैसे हम बैठ के दुकान पे उतरे थे, हम लोगों को सामान दिखा रहा है, वैसे ही 3 लोगों ने राजेश सर बता लिया। राजेश सर थोड़ी बहुत आवाज़ निकाल रहे थे लेकिन इन लोगों ने नहीं माना। इन लोगों ने गन के थम से राजेश सर के सर पे वहाँ पे वार किया और इन लोगों को नीचे बैठा दिया और सारे सामान लूट के चले गए। लगभग 3 लोग थे और तीनों के पास एक गन थी। लगभग कितने लाख की लूट हुई? वो नहीं बता सकते। क्या क्या लूट के लेके गए हैं? पॉलिश सोना सोना और चांदी।